हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है सौरभ एंड साक्षी व्लॉग्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं निकाल रहा हूँ जूस। ये जूसर हमने आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने मंगाया था, और बड़े आराम से इसमें अलग अलग सारे फ्रूट्स के जूस निकल जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार। और आज मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ वाटरमेलन का जूस, और देखिए कैसे जूस निकलता जा रहा है वो नीचे के ग्लास में, और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बगल के बकेट में इकट्ठा होता जा रहा है। गाइस तैयार हो गए, चीकू ड्रेसअप हो गए हैं और मैं भी तैयार हूँ। चीकू का ड्रेस देखिए, बो टाई वाई लगाया, अभी इनको खड़ा करके उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे इनकी ड्रेस। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं, आज जा रहे हैं एक बर्थडे पार्टी पे। चीकू मैं और चीकू की मम्मा जा रहे हैं तैयार वैर होकर बर्थडे पार्टी पे। बेसिकली पार्थ और वेदांशी का बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका है, उनका बर्थडे भी निकल चुका है, लेकिन उनका जो पूरा सोसाइटी है, उनके जो बच्चे हैं, सब बच्चे हैं, तो उनके लिए एक कम्बाइंड बर्थडे पार्टी पार्थ और वेदांशी की आज सेलिब्रेट की जा रही है, ऑर्गेनाइज हैं। उनके वेदांशी पार्थ के दादा और दादी जी भी आई हैं, तो फिर हम लोग भी निकल रहे हैं। वैसे 7 बजे का है, लेकिन थोड़ा पहले हम लोग निकल रहे हैं, पहले उनके घर जाएंगे, उसके बाद वहीं पर पास में एक हॉल है, वहाँ पर है बर्थडे सेलिब्रेशन। तो चीकू बिल्कुल तैयार है, चीकू ने सैंडल। और ये देखिए चीकू की मम्मा भी अब ऑलमोस्ट रेडी हैं, तो और चीकू का एक बैग भी तैयार हो रहा है, और बस फिर हम निकलने वाले हैं। चीकू इधर देखो, तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं वेन्यू पे जहां पे बर्थडे का सेलिब्रेशन होने वाला है। हम पहले घर गए थे, घर के बाद फिर हम यहां पर आए हैं। वो जो बिल्डिंग है उनकी, उसके बगल में ही हॉल है, तो उसी हॉल में सेलिब्रेशन है, डेकोरेशन वगैरह हो रखा है, और अभी गेस्ट आना स्टार्ट नहीं हुए हैं, और अब धीरे धीरे कुछ कुछ गेस्ट आ रहे हैं। और अभी वैसे पूरा हॉल खाली ही है, और पार्थ और वेदांशी से ज़्यादा पार्थ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है कि बर्थडे पे सब लोग आने वाले हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन है, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। सबसे बड़ा एक्साइटमेंट की वजह तो यही है। ये बर्थडे की पार्टी में बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ गेम्स वगैरह खिलाने के लिए ये आए हुए हैं, जो सामने आपको दिख रहे हैं, और बहुत सारे गेम्स इन्होंने बच्चों को खिलाए, बच्चों के पेरेंट्स को खिलाया। तो क्योंकि बच्चों की पार्टी है तो एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, उसके लिए इनको बुलाया गया था।
1, 2, 3, 3.